ज़्यादा पानी हो जाता है, एक इतना पानी हो जाता है कि हम लोग डूब सकते हैं। ये डूब सकता है, ये देखो ये डूब सकता है आराम से। सो हाई एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज ये ब्लॉग मैं चौड़ी में क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि मैं अभी चौड़ी में आके ब्लॉग यहाँ पे से स्टार्ट किया हूँ। आज से मैंने एक महीने पहले एक ब्लॉग डाला था, उसमें मैंने बोला था आप लोगों को कि एक ब्लॉग का नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें आप लोगों को चौड़ी का जो चौड़ी में जो नदी और पोखर है और वो पहले का नदी कहाँ है कैसा है वो मैं आपको नहीं दिखाया था, बोला था कि ब्लॉग के नेक्स्ट पार्ट में आएगा, तो वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये ब्लॉग में। तो चलो ब्लॉग को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। गाइस ये कि छोटा सा खद्दा आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये छोटा सा खद्दा ये इधर ही मिल गया हम लोगों को रास्ते में, तो मैं आप लोगों को दिखा दिया हूँ ये ब्लॉग में। और भी जितना खद्दा पोखर आप मिलेगा इधर से रास्ते में तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा वो ये ब्लॉग में। और देख सकते हो आप लोगों की धान का इधर का क्या हाल हो चुका है, देख सकते हो कि धान सब जल चुका है, इसको बिया बोलते हैं हम लोग देखो। और ये सब अभी जल चुका है, ये सब अब रोपने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जितना भी खेत है इधर दिख रहा है ये सब में अभी तक धान रोपा चुका है, कोई भी खेत बाकी नहीं है इधर। अब हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि सूरज डूबने वाला है, देख सकते हो, तो चलो फटाफट से चलते हैं। गाइस तो मैंने एक महीना पहले आया था तो देख सकते हो आप लोग कि राहर कितना छोटा छोटा था, ये जो देख रहे हैं आप लोग ये बहुत ही छोटा छोटा था, एक एक अंगुल का था, एक एक अंगुल का, अभी एक एक हाथ का हो चुका है। आप लोग को सही से मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसके लिए नहीं दिख रहा, लेकिन ये एक एक हाथ का हो चुका है। ये सब बहुत फास्ट में बढ़ता है गाइस, अभी एक महीना में हम लोग कितना कितना बड़ा हो जाएगा। गाइस तो मैं लोग यही खेत में से पानी पार कर रहा हूँ, वहाँ पे से बहुत ज़्यादा है, देख सकते हो आप लोग वहाँ पे से नदी बन गया हुआ है, तो खेत में से पानी पार कर रहा हूँ। देखो मछली भी भाग रहा है इसमें, देख सकते हो आप लोग छोटा छोटा मछली, देखो देख नहीं रहा होगा कैमरा में आपको, मगर मछली है इसमें। तो देखो ये पूरे खेत होकर पानी चलता है, इसके लिए यहाँ पे कम पानी है, लेकिन उधर अगर सब पानी एक जगह जाता है तो वहाँ पे ज़्यादा पानी हो जाता है, एक इतना पानी हो जाता है कि हम लोग डूब सकते हैं। ये डूब सकता है, ये देखो ये डूब सकता है आराम से, मैं तो वो नहीं डूब सकता लेकिन ये डूब जाएगा। तो चलो फाइनली मैं ये पार आ गया हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ पुराना वाला नदी, जो पहले का नदी था वो नदी में दिखाऊंगा। और पोखर से तो फाइनली मैं आपको दिखा चुका हूँ, फिर भी एक बार आप लोग देख लो इधर का व्यू जो है ना काफ़ी खूबसूरत है, तो चलो दिखाता हूँ आपको। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने उस दिन यहाँ पे होके आया था लेकिन यहाँ पे पानी नहीं था, आज यहाँ से ही पानी जा रहा है देखो। तो चलो इसमें चप्पल ही पहन के जाएंगे कि ये पानी ये ज़मीन जो है टाइट हो गया यहाँ पे का, और इसमें भी मछली है, पानी बहुत साफ है, अगर ज़्यादा मजबूरी तो आप लोग पी सकते हो, कोई भी पी सकता है। तो चलो यहाँ से भी मैंने पार कर लिया है, ओह माय गॉड। गाइस तो फाइनली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ भीरा पे, ये पोखर है और ये भीरा है ये सब, और इधर से आए वो आप लोग देखो इधर से, और यहीं पे मेरा पाँव फंस गया तो पूरा कपड़ा गंदा हो गया, पीछे से पूरा कपड़ा गंदा हो चुका है। और इसमें उस दिन कम पानी था, आज पानी भी बढ़ गया है, इसके लिए यहाँ पे से भी पानी चल रहा है और वहाँ पे से भी पानी चल रहा है। और उस दिन मैंने आया था तो यहाँ पे से पानी नहीं चलता था, नहीं वहाँ पे से चलता था, ये सब बिल्कुल सूखा था और सिर्फ वहाँ से पानी चलता था जो खेत से मैं पहले आया हूँ। तो चलो कोई बात नहीं है, आगे चल के आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, कितना पानी आ जाए यार आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता ही रहूँगा कितना ही पानी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ उधर का पुराना नदी और ये पोखर सब, तो आप लोग देख ही सकते हो कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे का, ऐसा ऐसा इधर बहुत सारा पोखर है, ये सब आपको दिख जा रहा है वाइट वाइट जो दिख रहा है ये सब बड़ा बड़ा पोखर है, आप लोगों को मैंने दिखाया था वो वाले ब्लॉग में। तो चलो आप लोग इधर का फिलहाल व्यू देखो कितना खूबसूरत है, देखो मेरे मोबाइल का जो कैमरा जो है वो साफ़ नहीं है, नहीं तो और भी खूबसूरत दिखता आप लोगों को। और अभी शाम हो चुका है, व्यू देखो कितना खूबसूरत है, देखो ये फ़ोटो खींच रहा अभी, तो आप लोगों को मैं बैकग्राउंड कैमरे से एक बार दिखाया था उधर का, उसके बाद हम वहाँ चलेंगे और उधर से आपको दिखाऊंगा, तो फिर आएंगे फटाफट से। गाइस तो इधर का पानी देख सकते हो अभी काला काला हो चुका है,
और इधर देखो धान वो देखो कितना खूबसूरत लगाया, अभी 2-4 दिन हुआ है रोपे इसको, तो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। और वो वाला पेड़ आप देख सकते हैं, वो वाला आप खेत देख सकते हैं कि उसमें भी कितना हरा हरा नज़र आ रहा है। एक पूरा जो चौड़ी है बन है पूरा एकदम काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है क्योंकि एकदम हरा भरा रहता है। आप लोग देख रहे हो उधर से सूरज भी अभी डूबने वाला है तो और मस्त व्यू दिखता है, तो और भी खूबसूरत दिखता है। यहाँ पे हम लोग जितना खूबसूरत दिख पा रहे हैं उतना खूबसूरत कैमरे में आप लोगों को नहीं लग रहा होगा, तो खैर कुछ नहीं, चलो आगे आपको दिखाता हूँ और भी कुछ। तो फिर से हम ये पोखर पे आ चुके हैं, आप लोग देखो। और उस दिन आप लोगों को मैं बताया था कि इधर 5 पोखर है, एक पोखर ये हो गया, एक उस वो हो गया, 2 हो गया और 2 उधर हो गया, 4 हो गया, 1 ही हो गया वो बड़ा वाला, सब एक ही बराबर है। तो इधर 5 पोखर है और आप लोगों को मैंने उधर दिखा दिया है, तो पीछे हो गया एक और 6 पोखर है इधर, और एक और पोखर है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं ये वाला, तो ये लगा 7 पोखर है। और भी इधर बहुत सारा पोखर रहता है, उधर भी पोखर है काफ़ी दूर, तो वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता। लेकिन जो इससे पहले का जो नदी था वो नदी कहाँ पे है वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, अभी दिखा रहा हूँ ये ब्लॉग में। तो चलो ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं और आगे चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। तो फाइनली गाइज वो टाइम आ चुका है जिसमें मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि मेरे गांव का पुराना नदी कहाँ है। तो चलो कैमरामैन दिखाओ इधर नदी, ये रहा। तो ये गाइज देख सकते हैं आप लोग कि ये नदी है, ये काफ़ी दूर से आया हुआ है, और वो नदी जो आप लोगों को मैंने पहले दिखाया था जिसमें मैं पहले होके आया हूँ, वो नदी अभी का नया नदी बन चुका है। और फाइनली जो मेरे गांव का पुराना नदी है गाइज ये यही नदी है। और मैं आप लोगों को पिछले ब्लॉग में इसी नदी के बारे में बात कर रहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा मेरे गांव का पुराना नदी कैसा है, तो फाइनली आप लोगों ने अभी देख लिया कि ये है मेरे गांव का पुराना नदी। तो चलो आपको मैं आप बैकग्राउंड कैमरे से दिखाता हूँ बढ़िया से। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि इधर से काफ़ी दूर से आया हुआ है, ये सब काफ़ी चौड़ा था, आप लोग देख पा रहे हो वीडियो में कि वहाँ से लेकर यहाँ तक चौड़ा था, ये सब भरा जाता है ऐसा ही पानी चलते चलते। क्या होता है कि सैलाब आते रहता है इधर, तो उसके साथ बालू भी आ जाता है, तो बालू आने के साथ साथ ही ये जो है क्या होता है भर जाता है। इसके लिए ये नदी जो है बंद हो चुका है इधर से, और उधर से नया नदी चालू हो गया है, और कोई ठीक नहीं है कब ये नदी चालू हो जाए, कुछ पता नहीं है इसका, ये क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फाइनली आप लोगों को मैंने ये नदी दिखा दिया है, पुराना वाला नदी। तो फाइनली अब इधर से शाम हो चुका है, आप लोग देख सकते हो किरण भी डूब चुका है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 पुल लगा दिया गया है कि कभी भी ये नदी चालू हो सकता है, इसके लिए यहाँ पे पुल लगा दिया, तो बढ़िया किया है कि कभी भी चालू हो सकता है और ये नदी फिर से दोबारा से चल सकता है। क्योंकि पहले का जो नदी है तो इसका जो रूट है वहाँ से तो वैसा ही बना हुआ है, और इधर ऊँचा हो गया है, इसके लिए थोड़ा बहुत पानी नहीं है, अगर ज़्यादा पानी आएगा सैलाब इधर तो फिर से इसमें पानी आ सकता है। और इधर भी जंगल भी हो चुका है बहुत सारा, नदी चालू था तो इतना जंगल नहीं था, अब हो गया ज़्यादा जंगल, तो यही रीज़न है कि ये नदी बंद हो गया और वो नदी चालू हो गया क्योंकि ये ऊंचा हो गया उससे, और उधर नीचा हो गया और इधर ऊंचा हो गया, इसके लिए इधर से ये नदी बंद हो गया उधर से चालू हो गया। तो गाइस फाइनली आप लोगों ने ब्लॉग देख लिया, अगर इस ब्लॉग में आप लोगों को मज़ा आया हो तो ब्लॉग को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के बाय बाय एंड टेक केयर।